सभी अपनी न्यू बाइक की करने वाले हैं ओपनिंग। 1, 2, 3 मैं खुद के लिए तालियां बजा देता हूँ। फाइनली सेकंड ड्रीम कम ट्रू और फाइनली 3 महीने के अंदर हमारी दूसरी बाइक RC390। सो लव यू पूरी फैमिली को। और फाइनली अभी निकलेंगे घर के लिए फटाफट और सबसे पहला फोटो मम्मी जी के साथ ही आएगा और हमारे थंबनेल का भी यही फोटो होगा। सो पूरी फैमिली को एक ही मैसेज कहना चाहता हूँ कि बड़े ड्रीम्स देखो, मेहनत करो और तबाही मचा कर रखो। ये भी ले जाएंगे ये तो आपको बस है, मेरे पास है, दो महीने रख दो। थैंक यू सो मच आपके। तो फैमिली फाइनली अभी घर पहुंच चुके हैं और कुछ दिल की बातें हैं जो आप सभी के साथ आज शेयर करना चाहता हूं, और ताकि जितने भी मेरे यंगस्टर्स जो यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पे वीडियोस वॉच करते हैं, बहुत सारे जिनके ड्रीम हैं, ये उनके लिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूं। देखो, दो चीज़ों से कभी पीछे मत हटना, एक मेहनत करने से और दूसरा पैसे खर्च करने से, खुद के लिए, खुद के सपनों पर पूरा करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए। और मैं हमेशा कहता हूँ ना, बिलीव इन योर ड्रीम्स। मैंने वो किसी से नहीं देखा है, वो मेरे दिल की बात थी। जब मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा मुश्किलें थी, बहुत अंधाधुंध मुश्किलें थी, अभी भी होती, लेकिन जब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाला फेज था, देन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, मैं भगवान ने मुझे किस लिए भेजा है। देन जो मेरा गोल था, जो मेरा ड्रीम था, मैंने उसके ऊपर फोकस किया और मुझे खुद रास्ते दिखना शुरू हो गए। तभी तो मैं कहता हूँ बिलीव इन योर ड्रीम्स। 10,000 की जॉब छोड़ी प्राइवेट, उसके बाद जब यूट्यूब पे आया, 2 साल अभी हुए हैं मुझे जस्ट यूट्यूब पे, और इतनी सारी चीज़ें मैंने अचीव की हैं। आई थिंक पूरी ज़िंदगी भी अगर मैं प्राइवेट जॉब में करता तो उनमें से एक भी चीज़ मैं अचीव नहीं कर पाता। खुद पे विश्वास किया और सच कहता हूँ, देखो यूट्यूब सिर्फ वीडियो डालने का प्लेटफॉर्म नहीं है। यूट्यूब आपके दिल की बातें, आपके थाट्स, आपकी क्रिएटिविटी, हर एक चीज़ को सामने लाने का एक प्लेटफॉर्म है। मैंने जो मेरे अंदर की चीज़ें थी, मैंने फाइनली यूट्यूब पर दिखाई। करता रहा, लोग बहुत बुरा बोलने वाले आते हैं, हिम्मत तोड़ते हैं, बहुत बुरा भला कहते हैं, लेकिन हमें लगे रहना यार, क्योंकि हमें पता है कि हमारा काम ही हमारा सहारा है। हमारे बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में सिर्फ हमारा काम हमारा साथ देगा, कोई बोलने वाला नहीं आएगा। जो हमें बुरा बोलते हैं आज, उनकी बातें को इग्नोर करो। अब पता है इग्नोर क्यों करो? देखो, बुरे वक्त में कोई आपके साथ नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा ना। आपका काम अगर आपने अच्छा किया होगा, वही आपको सपोर्ट करेगा, वही सारी चीज़ें करेंगे। सो फैमिली, यूट्यूब पर अपनी जर्नी शुरू करें, अपने ड्रीम्स पूरे करें और लगे रहना है। मैं बस यही चीज़ कहता हूँ जो हमारी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ा है, बस लगे रहना है। कितनी भी मुश्किल क्यों ना जाए, कितनी भी कंडीशन ख़राब ना हो जाए, बैंड बजी पड़ी हो, मन नहीं हो वीडियो अपलोड करने का, 0 व्यूज़ आ रहे हो, फिर भी वीडियो डालते रहना है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए कि मैं जिंदगी भर डालता रहा, मर गया मैं, फिर भी मैंने 10,000 वीडियो डाली थी, मुझे 1 व्यूज़ भी नहीं आया। चैलेंज देता हूँ मैं अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली को, 1,000 वीडियोज़ डालो खुद की, रेगुलर बना के एक वीडियोज़, और फिर मुझे बताना कि तुम्हें 1 व्यूज़ भी ना आए। मैं तुम्हें चैलेंज दूंगा, तुम्हें 0-0 व्यूज़ ही रखने हैं, चाह के भी नहीं कर पाओगे। और खुद को रियलिटी एक्सेप्ट करो कि स्टार्टिंग बहुत मुश्किल होगी, बहुत मुश्किल होगी स्टार्टिंग, लेकिन दिल को तसल्ली तो होगी यार, मैंने कोशिश की, मैं ऐसे दूसरों की तरह फेल तो नहीं हो, डरा तो नहीं ट्राई करने से। तो इसलिए लगे रहना है एंड ऑलवेज बिलीव इन ड्रीम्स। एंड थैंक यू सो मच मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को, और दिल से ढेर सारा प्यार आप सभी को।